हिंदी सिनेमा में शॉटगन के नाम से मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 70 के ऊपर के हो चुके हैं। FTI से अभिनय का कोर्स करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। काम नहीं मिलने की वजह से उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, लेकिन सुभाष घई की फिल्म काली चरण की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी ने शत्रुघ्न सिन्हा और इस फिल्म की हीरोइन रीना रॉय को अभिनय की दुनिया का वो सितारा बना दिया जिसकी चमक कभी भी फीकी नहीं हुई। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और साथ ही में इनके अफेयर के चर्चे भी खूब हुए। शत्रुघ्न सिन्हा की पूनम सिन्हा से शादी के बाद भी करीब 7 सालों तक शॉटगन का अफेयर रीना रॉय से रहा। रीना तो शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार भी थी, लेकिन पूनम सिन्हा की वार्निंग ने शत्रुघ्न सिन्हा को सुधरने के लिए मजबूर कर दिया। खबरों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को रंगे हाथ 2 बार उनकी पत्नी पूनम सिन्हा पकड़ चुकी थी। पूनम सिन्हा की वार्निंग के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को भुला दिया। उधर रीना ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर अपनी दुनिया अलग बसा ली। आज भले ही दोनों ने अपने अपने घरों को अलग बसा लिया हो, पर इनका अफेयर हिंदी सिनेमा में एक इतिहास के रूप में दर्ज हो चुका है जिसकी याद समय समय पर आती रहेगी।